नमस्कार दोस्तों, तो पोको की तरफ से ऑलरेडी टीजर पोस्टर शुरू हो चुका है। जैसे कि इस पिक्चर में देख सकते हैं कि पोको X6 सीरीज बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है। बहुत ही जल्द मतलब जनवरी के आखिर पे ऑफिशियली लॉन्च हो जाएगा। और पोको X6 सीरीज मतलब काजर की टोटल दो स्मार्टफोन तो कन्फर्म रहेगा, एक आपका पोको X6 5G, दूसरे आपका पोको X6 प्रो 5G। और इसके अलावा एक और आ सकता है जिसका नाम है पोको X6 नियो। लेकिन इस वीडियो में बात करेंगे जो पोको X6 5G नाम का जो स्मार्टफोन आने वाला है इसका पूरा स्पेसिफिकेशन, प्राइस, और जिस प्राइस पॉइंट में आएगा तो का प्राइस पॉइंट का सबसे बेस्ट डिवाइस होगा कि नहीं, इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिना कोई वक्त का आज का वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप गैजेट चैनल पर नए हैं और ऐसे टेक रिलेटेड वीडियो डेली देखना चाहते हैं तो गैजेट चैनल को सबसे करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो पहले तो हम बात करेंगे स्मार्टफोन की डिजाइन के बारे में। तो जो पोको X6 5G उसके पीछे आपको कैसा डिजाइन मिलेगा वो ऑलरेडी लीक हो चुका है। जैसे कि देख सकते हैं इस बार इसके पीछे का डिजाइन होगा एग्जैक्टली ऐसा। फोन आपको टोटल तीन कलर पे मिलेगा, ब्लैक, व्हाइट और ब्लू। इसका थिकनेस है 7.98 मिलीमीटर और वेट है 187 ग्राम। और इसके पीछे का जो मटेरियल वो एक्चुअली है ग्लास बैक। डिस्प्ले के मामले में आपको इसे मिलेगा 6.67 इंच, 1.5K 12 बिट, 120Hz एमोलेड डिस्प्ले, उसके साथ 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट, 2160Hz का इंस्टेंट टच सैम्पलिंग रेट, 1920Hz का PWM डिमिंग रेट, 1800 nits का ब्राइटनेस, 20:9 एस्पेक्ट रेशियो, 93% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। डिस्प्ले का जो सर्टिफिकेशन उसमें आपको मिलेगा HDR10+ डॉल्बी विजन दोनों का सर्टिफिकेशन। और इसके अलावा गोरिल्ला ग्लास 5 का डिस्प्ले प्रोटेक्शन। तो मतलब कैसे थे कि प्राइस पॉइंट के हिसाब से इसका जो डिस्प्ले बहुत ही बढ़िया होने वाला है। प्रोसेसर में आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 7S जनरेशन 2 प्रोसेसर, जिसके साथ 3423 मिलीमीटर स्क्वायर के आसपास का एक वेपर कूलिंग चेम्बर भी मिलेगा। कैमरे में आपको मिलेगा 208/2 का रियर कैमरा, उसके साथ ही 16 मेगापिक्सल का सेल्फी। अभी एक और इन्फॉर्मेशन भी मिल रहा है कि इसके साथ 200 के बजाय एक 64 मेगापिक्सल कैमरा भी मिल सकता है। और इसके रियर कैमरे के साथ आपको मिलेगा OIS का ऑप्शन। ये जो फोन आपको बहुत सारे रैम और स्टोरेज ऑप्शन पे मिलेगा, लेकिन स्टार्टिंग होगा 8/128 GB से। रैम का क्वालिटी LPDDR4X, मेमोरी पे आपको मिलेगा UFS 2.2, जिसके साथ कोई भी डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट नहीं। बैटरी में आपको मिलेगा 5100mAh बैटरी, उसके साथ 67W का चार्जर और कनेक्टिविटी USB Type-C। तो इसके बाद हमें से कुछ बाकी फीचर की बारे में बात करें तो आपको इसे मिलेगा Android 13 आउट ऑफ द बॉक्स, 3.5mm जैक, डुअल स्पीकर, और जिसके साथ हमें मिलेगा 100 डिजिटल फिंगरप्रिंट सेंसर और IP54 का वाटर एंड डस्ट प्रोटेक्शन। और अगर हम इसके सॉफ्टवेयर अपडेट साइकिल के बारे में बात करें, 2 साल का मेजर OS अपडेट और 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट हमें देखने को मिलेगा। तो जो सबसे मेन चीज किस प्राइस पॉइंट में लॉन्च होने वाला है, तो देखिए इसका लॉजिक मैं एग्जैक्टली पोको के हिसाब से दूंगा। कुछ महीने पहले इंडिया पे लॉन्च हुआ था, मतलब लास्ट ईयर इंडिया पे लॉन्च हुआ था पोको X6 प्रो 5G, जो कि चाइना पे एक स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था रेडमी नोट 12 प्रो स्पीड एडिशन, एग्जैक्टली उसका रिब्रांडेड वर्शन है। अब ये जो पोको X5 प्रो ये इंडिया पे लॉन्च हुआ था एग्जैक्टली 23,000 रुपए पे, और सेम स्मार्टफोन चाइना पे लॉन्च हुआ था 1700 युआन पे। ये चीज ध्यान में रखना, चाइना का 1700 युआन मतलब इंडिया का 23,000 के आसपास, मतलब जिस प्राइस में पोको X5 प्रो लॉन्च हुआ था। अब ये जो पोको X6 5G ये होने वाला है कुछ महीने पहले चाइना पे जो लॉन्च हुआ है रेडमी नोट 13 प्रो उसका रिब्रांडेड वर्शन। अभी जो रेडमी नोट 13 प्रो उसका प्राइस है 1400 युआन, इसका मतलब जो रेडमी नोट 12 स्पीड एडिशन उसके मुकाबले 300 युआन सस्ते में आपको मिलेगा। तो मतलब डेफिनेटली पोको के लास्ट ईयर के प्राइसिंग लॉजिक के हिसाब से ये जो पोको X6 5G इंडिया पे लॉन्च होना चाहिए 20,000 से 21,000 के आसपास, ऐसा मुझे लग रहा है। वैसे आपको क्या लगता है कमेंट में मुझे जरूर बताना। तो अभी हर वीडियो से देखेंगे कि अगर 20,000 से 21,000 रुपए पे ये जो स्मार्टफोन इंडिया पे लॉन्च होता है तो क्या ये जो स्मार्टफोन प्राइस पॉइंट के सबसे बेस्ट डिवाइस होगा या फिर इससे बेटर दूसरे कोई चॉइस अवेलेबल है। देखिए अगर हम इस प्राइस पर बाकी सभी ब्रांड के साथ कंपेयर करते हैं, क्योंकि अभी करेंटली 20,000 से 21,000 के आसपास कोई अच्छा खासा स्मार्टफोन अवेलेबल नहीं है। तो अगर हम सभी स्मार्टफोन के साथ कंपेयर करते हैं, पहली बात तो डिस्प्ले, इस मामले में मैं कहूंगा पोको है बेटर, क्योंकि देखिए 20,000 से 25,000 के आसपास अभी आज के दिन में आपको मिल जाएगा कर्व डिस्प्ले, लेकिन कोई भी स्मार्टफोन में आपको 1.5K डिस्प्ले नहीं मिलेगा, इसलिए उस मामले में पोको होगा बेटर। प्रोसेसर की अगर बात करें मैं कहूंगा एवरेज है, क्योंकि जो पोको का जो स्मार्टफोन इसके अंदर का जो स्नैपड्रैगन 7S जनरेशन 2 इसका एंटूटू स्कोर है 580 से लेकर 600,000 के आसपास। और सेम प्राइस पॉइंट में डायमेंसिटी 7200, डायमेंसिटी 8050, डायमेंसिटी 8020, ऐसे बहुत सारे प्रोसेसर ये जो स्नैपड्रैगन 7S जनरेशन 2 इसके मुकाबले बेटर है। तो इसलिए प्रोसेसर इसका थोड़ा सा एवरेज है। कैमरे की अगर बात करें मैं कहूंगा ठीक-ठाक है, OIS हमें मिल रहा है, चाहे 64 हो या फिर 200 मेगापिक्सल हो, कैमरा इसका ठीक-ठाक रहेगा।
वेरिएंट बाकी सभी ब्रांड के जैसा ही 8x128GB LPDDR4X और UPS 2.2 का कॉम्बिनेशन, बैटरी और चार्जर वही सेम बाकी ब्रांड के जैसा ही, स्पीकर सभी के जैसा डुअल स्पीकर, OS अपडेट सभी के जैसा 2 साल का OS अपडेट। तो मतलब देखिए वीडियो का मैं ये चीज कहना चाहूंगा, अभी करेंटली अगर आप इंडियन मार्केट में देखेंगे तो 20 से 23 हजार रुपए के आसपास आपको कोई अच्छा खासा बढ़िया स्मार्टफोन नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप 25 हजार के आसपास जाएंगे तो आपको मिल जाएगा iQOO Z7 Pro या फिर Motorola H40 Neo ऐसे स्मार्टफोन। तो इसलिए मेरे ख्याल से अगर स्मार्टफोन अकॉर्डिंग टू लीक्स मतलब अकॉर्डिंग टू प्राइसिंग लीक्स अगर 20 से 21 हजार इस प्राइस पॉइंट में लॉन्च हो जाए तो मेरे ख्याल से आपको तुरंत ले लेना चाहिए, क्योंकि अभी करेंटली इस प्राइस पॉइंट में इससे बेटर ऑलराउंड स्मार्टफोन मुझे तो नहीं मिल रहा। तो अभी आप मुझे कौन से जरूर बताने कि जो पोको का जो नया फोन जो लॉन्च होने वाला है इस प्राइस पॉइंट में, तो क्या आप इसे लेना चाहेंगे या फिर दूसरे किसी स्मार्टफोन के लिए वेट करना चाहेंगे, इसके बारे में मुझे क्वेश्चन कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।